सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन अनुसुईया जिस पति को स्वीकार करती है उनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, गाड़ी घोड़ा बंगला नहीं है उनके पास, और आप कितने शादी करते समय कितना बेहुदा बुद्धि कर लेते हैं, बेशरम बुद्धि। आपको बंगला होना, गाड़ी होना, चाहे दूल्हा कितना भी अंडा खा गया हो, कितने भी मांस खा गया हो, कितना भी सिगरेट पी गया हो, पर गाड़ी बंगले वाला मिलना चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा है, उसके गुण कैसे है, आपत्ति पड़ने पर फावड़ा चलाएगा, कुल्हाड़ी चलाएगा कि नहीं, ये नहीं देखा किसी ने। अनुसुईया के पति कैसे हैं? घर नहीं रहने को नर्मदा के किनारे उदम्बर के पेड़ के नीचे रहते हैं। उदम्बर कहते हैं गूलर को, जिसकी पूजा होती है हिंदू धर्म में, जिस वृक्ष की अंजीर जैसे फल आते हैं, गूलर उदम्बर, उस पेड़ के नीचे अनुसुईया को विवाह करके ले गए और पेड़ के नीचे आसन डालकर बिठा दिया। नई बहू आई है, पेड़ के नीचे कौन बेटी रहेगी बहू बनकर? अनुसुईया जानती है, मैं तो पति के लिए आई हूँ, घर के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी की घरवाली नहीं हूँ, मैं तो धर्म पत्नी हूँ। और ये इनका एड्रेस, ये सब घरवाली बैठी है, घरवाली, घर होना, मकान होना, बेडरूम होना, फर्नीचर होना, चाहे पति कैसा भी होना, टेढ़ी टांग का क्या हो गया, अस्थमा की बीमारी है, क्या करेगी बंगले का, जिसकी जरूरत है, जिसके फेरे लिए ये अस्थमा से मरा जा रहा है, फुकुर फुकुर कर रहा है, बंगले में क्या आग लगाएगी? हाँ, कमाल हो गया महाराज, सतयुग की कथा सुना दें आपको, त्रेतायुग की सुना दें। त्रेतायुग की कथा कैसी है? त्रेतायुग में लड़की वाले के घर में बड़े बड़े योद्धाओं का सम्मेलन होता था। पहले हर लड़की के घर पे हजारों लड़के आते थे सम्मेलन करने के लिए, परीक्षा देते थे महाराज, बल दिखाते थे, वर बनते थे, बर क्या बनते थे, बर, और अब क्या बनते हैं, डर। चपकली आ गई बेडरूम में, घुस गया बीवी में, ये क्या करेगा, भाड़ रक्षा करेगा पत्नी की, ऐसे के साथ फेरे और लिए तूने, करवा चौथ और कर रही है, इसके नाम की दिया और जला रही है, कभी ना मरे कभी, अरे चपकली से डर रहा, ये काले सांप से तुझे कैसे बचाएगा? वकील साहब, पति शब्द का अर्थ होता है पालन करने वाला, रक्षा करने वाला, और ये तो खुद पत्नी के पीछे खड़ा है। क्या हो गया भाई, कैसी देख रही है, देना देना झाड़ू, मारना झाड़ू छापकली में, तेरी ऐसी की तैसी कर दूं। पति दिए घोड़े पे सवार होके आया था दूल्हा बन के, इधर ताऊ का छोरा और इधर काका का छोरा, दोनों पकड़ रहे थे, घोड़ी पे भी कांप रहा था ये। नाम क्या है इसका, बर, बर माने बलवान, और कितना बलवान, कितना, सच बोलो ना, सच में आंच थोड़ी है, बोल डालो ना, अब कितना बलवान है महाराज,